हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर मोल फ्रैक्शन के बारे में कंप्लीट कर लिया है और कुछ न्यूमेरिकल भी बच्चों कर लिए हैं। आज हम आपका सेल्युबिलिटी देखेंगे कि सेल्युबिलिटी होती क्या है। तो सेल्युबिलिटी क्या है बच्चों, जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और यहाँ तक हमने पानी को भर दिया। यहाँ तक बच्चों क्या किया, पानी को भर दिया। और पानी को भरने के बाद इसमें हमने क्या डाला, चीनी डाला। क्या डाला बच्चों, चीनी डाला, C12H22O11। और ये क्या बच्चों, आपका जल है, H2O। इसका क्या नाम, डाइहाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। तो ठीक है बच्चों, ये हमने चीनी डाला और यहाँ पर क्या बच्चों, आपका जल है। अगर बच्चों हम चीनी डाल रहे हैं और चीनी आपकी घुलती जा रही है, फिर डाल रहे हैं चीनी घुलती जा रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका चीनी का घुलना बंद हो जाएगा बच्चों, जब आपका चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। और जब चीनी का घुलना बंद हो जाए बच्चों, तो वही क्या है, इसकी सेल्युबिलिटी है। वही क्या है इसकी बच्चों, सेल्युबिलिटी है। तो कहने का क्या मतलब निकला, स्थिर ताप और दाब पर किसी विलायक में घोली गई विलेय की मात्रा, किसी भी विलायक में घोली गई विलेय की जो मात्रा होती है, वही क्या होती है, आपकी सेल्युबिलिटी होती है। स्थिर ताप और दाब पर किसी भी विलायक में घोली गई विलेय की मात्रा, जितना हमने विलेय घोल रखा है बच्चों, वही क्या होगी, सेल्युबिलिटी होगी। या तो हम कह सकते हैं, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली गई विलेय की मात्रा आपकी क्या होती है, सेल्युबिलिटी होती है। तो अब बात करेंगे आपकी अलग अलग सेल्युबिलिटी, आपका जैसे कि ठोस का द्रव में विलेयता, इसके बाद बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता, और इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम आपका द्रव की द्रव में विलेयता। तीन बातें यहां से करनी है, जहां से आपका राउल्ट का नियम आएगा, आपका हेनरी का नियम आएगा, और दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका आपका आइडियल सोल्यूशन क्या है, आदर्श विलयन क्या है, और अनादर्श विलयन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है बच्चों, यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना टाइम गवाए हम आपके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो विलेयता क्या है बच्चों, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर विलायक में किसी विलायक में घोली गई विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। स्थिर ताप व दाब पर किसी विलायक में घोली गई विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, विलेयता कहलाती है, या स्थिर ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित का मतलब क्या बच्चों, घोली हुई 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है आपकी, विलेयता कहलाती है। तो तीन हम यहां पर देखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें बच्चों, ठोस की द्रव में विलेयता, और इसके बाद बच्चों देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता, और इसके बाद देखेंगे बच्चों आपका द्रव की द्रव में विलेयता। तो ये तीन चीजें बच्चों हमें आज पढ़नी है। क्या क्या,
ठोस की द्रव में विलयता। तो किसी ठोस का द्रव में घुलना उसकी क्या कहलाती है बच्चों, विलयता कहलाती है। या तो आप कह सकते हैं किसी द्रव में घुली हुई ठोस की मात्रा उसकी क्या कहलाती है बच्चों, विलयता कहलाती है। और किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, गैस की द्रव में विलयता कहलाती है। और किसी द्रव में घुली हुई द्रव की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव में द्रव की विलयता कहलाती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्थिर ताप पर क्या बच्चों, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई ठोस की मात्रा उसकी ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। इसी ताप पर किसी द्रव में घुली हुई ठोस की मात्रा उसकी ठोस की द्रव में विलयता कहलाती है। और इस पर विभिन्न कारक के हम प्रभाव देखेंगे बच्चों, तो आओ इसको हम जानें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम अध्ययन करेंगे ठोस की द्रव में विलयता पर प्रभाव डालने वाले कारक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे आपका, विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति, विलय तथा विलायक की प्रकृति। तो कहने का क्या मतलब है, विलय और विलायक की प्रकृति पर आपकी विलयता निर्भर करती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर आपका विलय पोलर होगा, ध्रुवी होगा, तो आपके ध्रुवी विलायक में वह विलय होगा। अगर आपका नॉन पोलर होगा, अध्रुवी होगा, तो आपका अध्रुवी विलायक में विलय होगा। अगर आपका पोलर होगा तो पोलर साल्वेंट में, अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर साल्वेंट में विलय होगा। तो सबसे पहले बात करें तो कहने का क्या मतलब, तो कहने का यही मतलब निकला, समान समान को घोलता है। तो समान समान को घोलता है, बस बच्चों यही चीज आपको याद रखनी है। तो कहने का क्या मतलब निकला, अगर आपका ध्रुवी विलायक होगा, ध्रुवी विलय ध्रुवी विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है। कुछ अपवाद को छोड़ दें, क्योंकि अपवाद तो केमिस्ट्री में चलती रहती है, घुलनशील होता है। अगर आपका अध्रुवी विलय है तो आपका अध्रुवी विलायक में घुलनशील होगा, अध्रुवी विलायक में घुलनशील होगा। तो ये दोनों बातें बच्चों आप याद रखिएगा, अगर आपका एक पोलर है, एक ध्रुवी है और एक अध्रुवी है, तो घुलनशील नहीं होगा। तो अगर हम बात करें जैसे कि, तो जैसे NaCl जल में विलय होता है, विलय होता है, तो जल क्या है बच्चों, तो जल क्या है आपका H2O है। तो H2O एक क्या है, ध्रुवी है, और ये भी क्या है, NaCl आपका क्या है, एक ध्रुवी यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है। तो NaCl क्या होगा बच्चों, H2O में विलय होगा, लेकिन
लेकिन कार्बनिक विलायक, लेकिन बच्चों क्या कार्बनिक विलायक, तो कहने का क्या मतलब है, जैसे बच्चों आपका बेंजीन, जैसे बच्चों आपका ईथर आदि में घुलनशील, आदि में घुलनशील नहीं होता है बच्चों, आदि में घुलनशील नहीं होता है। तो ये बातें बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको बात करें नैप्थलीन, नैप्थलीन जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा बच्चों, और याद क्या रखना है, केवल यही याद रखना है बस आपको। तो ये पहला इफेक्ट हुआ विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब बात करेंगे हम आपके ताप की। अब ताप का क्या प्रभाव है बच्चों, यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो यह बात निर्भर करती है कि आपकी प्रक्रिया कौन सी हो रही है। अगर आपका उष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो विलेयता आपकी क्या होगी बच्चों, घटेगी, और यदि आपका उष्माशोषी प्रक्रिया तो विलेयता आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो ठीक है बच्चों, अभी हमने बात की आपका ताप का क्या प्रभाव होता है। हमने बताया कि जब आप विलेय को विलायक में घोल रहे हैं तो यदि उष्मा मुक्त हो रही है, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यदि उष्मा मुक्त हो रही है तो आप ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, और यदि उष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है तो आप ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। यह बताया था लासातेलिए ने। तो और इसके बाद में बात करें, और इसके बारे में हम बात करें ताप का प्रभाव, तो इसमें हम लिख सकते हैं यदि विलेय को, यदि विलेय को विलायक में, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो उष्माक्षेपी प्रक्रिया के लिए जो डेल्टा एच होता क्या आता है बच्चों, आपका निगेटिव होता है, इसे आप जानते रहिए। यदि उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने से, तो ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने से विलेयता क्या कहते हैं बच्चों, घटती है, और यदि, और यदि विलेय को, और यदि विलेय को विलायक में घोलने से, विलायक में घोलने से या घोलने पर उष्मा, उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, अर्थात उष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, अर्थात उष्मा शोषी, अर्थात उष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए डेल्टा एच का मान बच्चों क्या होता है उष्मा शोषी के लिए,
पॉजिटिव होता है, इसे याद रखिएगा आप, होती है तो ताप बढ़ाने से, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले कारक का बात करते हैं, दाब प्रेशर। तो प्रेशर क्या बच्चों, जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे बच्चों तो जो आपका आयतन होगा, वैल्यूम होगा, घटेगा, घटेगा नहीं, और यदि जो वैल्यूम घटेगा तो विलेयता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो कहने का क्या मतलब निकला कि दाब बढ़ाने से ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो ये हमने बच्चों पहले पॉइंट की बात कर ली, ठोस की द्रव में विलेयता पर प्रभाव क्या है। तो इसे बच्चों आप याद रखिएगा, गैस की, अब बच्चों हम बात करते हैं आपका गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, किसी गैस का द्रव में घुलना दिए गए कंडीशन पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का द्रव में घुलना या घुली हुई गैस की मात्रा आपकी क्या होती है, गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे इस पर प्रभाव डालने वाले कारक की। तो कारक क्या बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करें विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, तो इसमें बच्चों यही याद रखिएगा, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, ठीक है बच्चों। आप क्या याद रखेंगे कि बच्चों आपका समान समान को घोलता है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि जो गैसें ध्रुवीय होंगी वो ध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगी, जो गैसें अध्रुवीय होंगी वो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगी। और एक बात बच्चों कि जो गैसें आपके विलायक से क्रिया कर लेती हैं वह उसमें क्या होती है बच्चों, घुलनशील होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि अगर जैसे NH3 है बच्चों और ये जल के संपर्क में आती है तो क्या बना देती है आपका, क्या बना देगी बच्चों आपका, NH4 OH बना देंगी। तो ये भी बच्चों क्या है, ध्रुवी है, ये भी बच्चों क्या है, ध्रुवी है, और इसमें क्या होगी अभी घुलनशील होगी। जैसे बात करें CO2 जब जल के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है आपका, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना दिया। और जैसे आपने बात किया SO3 जब जल के संपर्क में आती है तो क्या बनाते हैं बच्चों, H2SO4 बना दिए बच्चों। तो ये क्या है, जो आपके द्रव में विलेय होती है उनकी विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक चीज़ है बच्चों, समान समान को घोलता है, तो कहने का क्या मतलब निकला, ध्रुवी गैसे ध्रुवी विलायकों में, ध्रुवी विलायकों में विलेय होती है या घुलनशील होती है, घुलनशील होती है। और क्या बच्चों, अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं बच्चों, घुलनशील होती हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या है, अध्रुवी है, क्या बच्चों आपका, अध्रुवी है, और जल क्या बच्चों आपका, ध्रुवी है, और ध्रुवी और अध्रुवी की जो विलेयता क्या होगी,
न के बराबर होगी या तो क्या होगी बच्चों, बहुत कम होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करें हम दूसरे कारक की, तो दूसरा कारक क्या है बच्चों, ताप। तो यदि कोई गैस द्रव, जैसे हमने कहा कि आपने एक वेसल लिया, सपोज करते हैं आपका वेसल है और इसमें क्या रहा, द्रव भरा हुआ आपका, और इसमें क्या डाल दिया आपके, कोई गैस, इसमें कोई कुछ गैस अभी क्या घुली हुई है। अगर बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसे हम ताप देंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर ताप देंगे यहाँ पर तो इसके जो आपके कण है, तो कणों की काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बच्चों बढ़ेगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो कहने का क्या मतलब निकला, ताप का, ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से गैस की ताप बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो ये चीजें बच्चों आपको ध्यान देने योग्य है। तो यदि हम बात करें अगले टर्म की, तो आपका क्या है, दाब। और दाब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि अब इसी पर पड़े आपका हेनरी का नियम, और हेनरी का नियम आपके एग्जाम में आ रहा है सन 2022 के पेपर में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए हेनरी का नियम। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम बात करें आपका दाब का, और हेनरी का नियम दाब पर ही आधारित है। किसी गैस को हम किसी द्रव में कैसे घोलेंगे और उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसको हेनरी ने बताया था। तो हेनरी ने क्या बताया था, तो जैसे हमने क्या ले लिया, एक द्रव ले लिया आपका, क्या एक द्रव है, और यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है, और इसको हमने क्या किया, किसी पिस्टन से पैक्ड कर दिया। तो हेनरी ने क्या बताया, ये आपको कोई वेसल है और ये क्या बच्चों आपका पिस्टन है, और जैसे जैसे आप करेंगे प्रेशर को बढ़ाएंगे बच्चों, तो आपके ये जो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और एक दूसरे जो बच्चों ये टक्कर करेंगे, तो आपको पता है जब टक्कर करेंगे तो इनका क्या कंडेंसेशन होगा, और जब इनका कंडेंसेशन होगा तो ये क्या आ जाएंगे, आपके द्रव में आ जाएंगे। क्या इतनी बात है समझ में, तो कहने का क्या मतलब निकला, तो यदि हम जितना ज़्यादा प्रेशर करेंगे, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे, तो उतना ज़्यादा टक्कर होगा, और जितना ज़्यादा बच्चों टक्कर होगा उतना ज़्यादा ये क्या होंगे, इनकी ऊर्जा घटेगी, और जब इनकी ऊर्जा घटेगी तो ये कंडेंस्ड होकर के आपका क्या होंगे, संघनित होकर के आपके द्रव में क्या होंगे, विलय होंगे। क्या इतनी बातें आई सर, तो मतलब क्या निकला, दाब बढ़ाने से विलेयता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो आप अब लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो हेनरी ने यही बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस में घुली हुई गैस की मात्रा तो किसी द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा, ये जो प्रेशर है, जो ये सब गैसेज या प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, तो घुली हुई गैस की मात्रा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब, इसको बच्चों आंशिक दाब भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसी ताप पर किसी द्रव में गैस की घुली हुई मात्रा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला, जो यम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी होगा, या यम
जो मात्रा होगी वो क्या होगी, के पी होगी। ये एक इक्वेशन बच्चों याद रखिएगा। और हेनरी ने बताया था कि जो किसी भी द्रव में जो घिली हुई गैस का मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, वह इसकी सतह पर लगने वाले दाब की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम क्या है बच्चों, इसे भी हम जान लेते हैं। तो हेनरी ने क्या बताया था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा क्या बच्चों, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, एक मिनट बच्चों, गैस की मात्रा यहाँ पर नहीं होगा आपका, किसी द्रव में घुली हुई गैस का मोल प्रभाज, तो गैस का मोल प्रभाज मतलब काई गैस, गैस का मोल प्रभाज सतह पर लगने वाले दाब के, सतह पर लगने वाले दाब, मोल प्रभाज सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला, जो पी होगा वो समानुपाती क्या होगा, यक्स गैस के समानुपाती होगा, या पी इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, उसे हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, क्या होगा, यक्स। तो ये जरूर याद रखिएगा बच्चों, जहाँ पर केएच क्या बच्चों, हेनरी स्थिरांक है बच्चों, क्या इतने बच्चे समझ में आई आपको। और एक्स क्या है बच्चों, जो काई जिसे हम कहते हैं वो क्या है, मोल प्रभाज है, किसका मोल प्रभाज है बच्चों, वो गैस का मोल प्रभाज है। और आपको एक्स पता है वो क्या है, आपका प्रेशर है, एक्स क्या है बच्चों, आपका प्रेशर है। क्या इतनी बातें आई समझ में, तो यही हेनरी ने बताया था। तो पी जो होगा के एच और एक्स के गुणनफल के बराबर होगा। तो यदि इस पर हम ग्राफ ड्रा करें बच्चों, यदि हम इस पर ग्राफ ड्रा करें, तो आओ हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कि आपका ग्राफ कैसा आएगा। तो आपको ये तो फार्मूला याद होना चाहिए हेनरी का, जो नियम है, तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपका के एच इंटू क्या होगा, X होगा। ये यदि Y बराबर यम एक्स से इसकी तुलना कर ले तो आपको क्या होगा, Y बराबर P, यम बराबर के एच, और X बराबर क्या होगा, काई होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपका X दर्शा दिया, और यहाँ पर बच्चों को क्या दर्शा दिया हमने, P। अब देखिए ये क्या है, Y बराबर एम एक्स, तो ये कहाँ से होकर जाती है बच्चों, आपका मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये क्या है, Y बराबर एम एक्स हो गया, और यहाँ पर देखिए जो अंतःखंड काटा गया, अंतःखंड कितना काटा है, के एच है, तो अंतःखंड क्या होगा बच्चों, आपका के एच है यहाँ पर। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपका ग्राफ। तो यदि हम बात करें, देखिए बच्चों यहाँ पर यदि हम के एच इक्वल टू लिखना चाहें, तो के एच इक्वल टू का क्या होगा, क्वेश्चन बच्चों ये आपका दो माना गया था, तो के एच इक्वल टू क्या होगा, के एच इक्वल टू पी अपान एक्स। मतलब क्या है बच्चों, अगर आप विलेयता, आपकी विलेयता बढ़ेगी तो हेनरी स्थिरांक का मान घटेगा। तो कहने का क्या मतलब, जैसे जैसे द्रव में, जैसे जैसे द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, वैसे हेनरी स्थिरांक का मान बदलता है, अर्थात
अलग अलग गैसों के लिए अर्थात अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है बच्चों, अलग अलग होता है। तो ये आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप केएच बढ़ेगा तो एक्स क्या होगी घटेगी, केएच बढ़ेगा तो एक्स क्या होगी घटेगा, अर्थात अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान बच्चों अलग अलग होता है। यह आपका खत्म हुआ किसी गैस की द्रव में विलयता पर पड़ने वाला प्रभाव। तो इसे आप याद रखिएगा बच्चों कि हेनरी स्थिरांक का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, यदि यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछेगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट्स हो उसे आप कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।